राजस्थान में शादी ब्याह हो या फिर कोई भी ओकेशन, वहाँ कढ़ी तो बनती ही है। ये जो कढ़ी है आज एकदम मारवाड़ी स्टाइल में बनाएंगे, जिसे आप राइस पुलाव, राम खिचड़ी या फिर नॉर्मल खिचड़ी जो रहती है, या फिर आप इसे कढ़ाई वाली पूड़ियों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। राजस्थानी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो है दही लिया है। दही खट्टा होना चाहिए, उसमें मैं मिला देती हूँ 1/4 कप बेसन। पहले दही और बेसन को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। बाद में पानी डालेंगे तो क्या होगा ना, बेसन जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा दही के अंदर और इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही है, और जो कप मैं यूज़ कर रही हूँ वो 250 ml का है। तो इस कप से ही मैं सारे आपको मेज़रमेंट्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर पानी भी बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और बैटर जो है एकदम स्मूद होना चाहिए। तो कढ़ाई जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। मैंने यहाँ पर पीनट ऑयल यूज़ किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है सूखा धनिया, और उसके साथ 3 लौंग है और 5 काली मिर्च है। यहाँ पर खड़े मसालों को अच्छे से स्लो गैस पे कुक कर लेना है, और इसे तब तक कुक करना है जब तक राई जो है अच्छे से चटकने नहीं लग जाती। राई जो है कच्ची नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर राई जो है बहुत अच्छे से चटक गई है, तो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हींग। राजस्थानी कढ़ी में हींग का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो इसे हींग अच्छे से डालिएगा। और 1 इंच अदरक को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके डाला है। अदरक को हम बहुत ही अच्छे से कुक करेंगे, अदरक जो है कच्चा नहीं रहना चाहिए। इन सभी को मैं स्लो गैस पर कुक कर रही हूँ। तो अदरक जो है हल्का सा कुक हो गया है, अच्छा सा ब्राउन हो गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्ची। ये जो कढ़ी रहती है ना इसमें लाल मिर्च कम यूज़ होती है, और साथ साथ मैंने यहाँ पे देखिए 10 से 12 जो है कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर जो कि तीखा वाला है, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैं ले रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 6 सेकंड के लिए मसाले को बहुत ही अच्छे से हम कुक करेंगे। मसाला जो है जलना नहीं चाहिए, इससे ना कढ़ी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप मसाले को इस तरह ऑयल में पहले कुक कर लेते हो। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मिर्ची है वो जले नहीं, मीन्स मसाले जले नहीं। और जैसे ही पानी में अच्छे से बॉयल आ जाता है, उसके बाद हमने जो बैटर बना के रखा था दही और बेसन का, वो इसमें हम मिला देंगे। इस तरह जब आप मसाले को कुक करने के बाद हल्का सा पानी डाल देते हो और फिर बैटर डालते हो, उससे तो क्या होता है कढ़ी के फटने के चांस भी बिल्कुल नहीं रहते हैं और कढ़ी में दाने भी बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है मैंने कर दिया है हाई, और इसे लगातार तब तक चलाते रहेंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता। तो सेम बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था और फिर इसके अंदर डाल दिया है। कढ़ी को आप जितने अच्छे से कुक करोगे उसमें हल्दी और लाल मिर्च का कलर उतना ही अच्छा आएगा। अभी आपको कलर जो है काफ़ी हल्का लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो कलर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मुझे कढ़ी काफ़ी गाढ़ी लग रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 कप जितना पानी जो है और डाल दिया। तो अभी तक मैंने यहाँ पर 3 कप पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे कढ़ी में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम जो है कर दिया है मीडियम, और बीच बीच में इस तरह कढ़ी को 3 से 4 बार चलाते रहना है। ज़्यादा लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ी को आप 25 से 30 मिनट कुक करोगे उतना इनफ है, बहुत ज़्यादा 1 घंटे तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ी का कलर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा आ गया है, और जैसी थिकनेस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं और टोटल मैंने इसमें 4 कप पानी डाल दिए थे। बीच में मुझे थिक लग रही थी तो मैंने 1 कप पानी जो है और ऐड कर दिया था। अब मुझे कढ़ी एकदम परफेक्ट लग रही है क्योंकि इसे कुक करते हुए हो गए हैं 25 मिनट्स। तो अब मैं इस स्टेज पे जो है कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। तो कस्तूरी मेथी को आपको इस तरह मसल के इसका चूरा करके डाल देना है, और फिर इसे 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर और कुक करेंगे ताकि कस्तूरी मेथी का जो फ्लेवर है उसके अंदर आ जाए। आफ्टर 5 मिनट्स मैं इसमें डाल देती हूँ देखिए ये हरा धनिया, और फिर ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस जो है बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है खाने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे लुक वाइज और भी टेम्पटिंग बनाते हैं और इसे रॉयल टेस्ट देते हैं।
उसके लिए मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना घी, ये देसी घी है और इस कढ़ी में देसी घी यूज़ करना है, डालडा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाता है उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जीरा, जीरा बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे बिकॉज़ हमने जो जीरा सौंफ है वो पहले ही बहुत अच्छे से डाल दिया है, और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दिया है। जैसे ही जीरा चटकने लग जाता है गैस बंद कर दी और 1/4 टीस्पून हींग डाले, घी और हींग का जो कॉम्बो है ना बहुत मतलब मस्त रहता है। तो चलिए अब इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है और उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करेंगे, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जितनी काश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए रहती है, इसमें तीखापन नहीं रहता है। लाल मिर्च पाउडर डालने से पहले घी का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा कर लें, नहीं तो जैसे ही आप मिर्ची डालेंगे तो मिर्ची जो है बहुत जल्दी जल जाती है, तो फिर तड़के का कलर और टेस्ट दोनों बदल जाएगा। तो तड़के को मैंने कढ़ी के ऊपर डाल दिया है, कढ़ी को मैंने एक अलग बोल में शिफ्ट कर दिया था। तो देखा आपने राजस्थानी शाही कढ़ी बनाना कितना आसान है, लेकिन टेस्ट में उतनी ही लाजवाब बनती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और हिट करें लाइक बटन को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।